इंदौर में अनलॉक के बाद से रेलवे प्रशासन करीब 32 विशेष गाड़ियों का संचालन कर रहा है। इस सप्ताह से रेलवे प्रशासन 3 और गाड़ियों का संचालन करने जा रहा है, जिसमें हमसफर गाड़ी, जिसमें पहले सिर्फ एसी कोच ही होते थे, अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें 6 स्लीपर कोच भी लगाए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन के जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि इंदौर से अभी तक करीब 32 गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कोविड के सभी नियमों का पालन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह से रेलवे प्रशासन 3 और गाड़ियों का संचालन करने जा रहा है, जिसमें इंदौर से मुंबई, इंदौर से लिगमपल्ली व इंदौर से पुरी के लिए रेलगाड़ी चलाई जाएंगी। अभी इंदौर की बात करें तो इंदौर से करीब 30 से 32 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो लंबी दूरी की और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें हैं। इसके अलावा रेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 3 ट्रेनों का और संचालन किया जाए, जो इंदौर से मुंबई जाती है दुरंतो एक्सप्रेस, उसका भी संचालन 19 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और इसके बाद में एक इंदौर से लिंगमपल्ली जाती है उसको 20 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, और इंदौर से जो पुरी जाती है उसको भी हम लोग करीब 23 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 ट्रेनों का संचालन और किया जाएगा। इसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो हम सफ़र एक्सप्रेस है उसमें पहले टोटल एसी कोच हुआ करते थे, वातानुकूलित कोच हुआ करते थे, उसमें रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्लीपर कोच की व्यवस्था की है। अब इस ट्रेन के अंदर 6 स्लीपर कोच भी होंगे, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। तो रेल प्रशासन ने यह निर्णय यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है।